अब इस जमीन पर भगवान के काम इंसान करने लगे हैं। कहते हैं कि अब बच्चे की उत्पत्ति इंसान के दिए हुए नुस्खों से होगी, लड़का होगा या लड़की। ऐसी ही ताज़ा मामला आज जगाधरी में सामने आया, जहां एक महिला ने दावा करते हुए कहा कि वह जो दवाई देगी उससे 100% लड़का ही पैदा होगा। कहाँ के रहने वाले हो? बंगाल की हूँ मैं। ये दवाई कब से बेच रहे थे आप? आज ही पहले बार दिया मैंने। तो कौन सी दवाई है जो ये देते हो? ये जंगल की जड़ी बूटी है। नहीं तो किस काम आती है जड़ी बूटी? वो जिसका रसोली हो भी ठीक हो जाए, जिसका जाकत नहीं हो भी जाकत हो जाए उसका दवाई है। कितने पैसे में देते हो ये दवाई? 500 रुपये में। और कब से रह रहे हो यमुनानगर में? यमुनानगर में तो काफी साल से हूँ। तो ये दवाई कितने लोगों को बेच चुके हो? पहले बार दिए इसको मैंने देती नहीं है, वो छोड़ती नहीं है मेरे पे। किस चीज के लिए देती है दवाई? मेरे पे 2 लड़की है, 1 लड़का हो जाए, इसकी ताबीज भी दिए थे और दवाई भी दिए थे। ताबीज किस लिए काम आते हैं? वो अपड़ा उपड़े की का बंगाल के जंगल में मिलती है। तो आप बंगाल के जंगल में मिलती है? यहाँ नहीं मिलती। तो किस काम आती है दवाई? बच्चा होने के लिए है, लड़का होने के लिए? जरूर रसोली है, वो भी ठीक होती है। जिसका जाकत नहीं है जाकत भी होती है, जिसका लड़की लड़की होती है लड़का नहीं होती उसकी भी होती है। तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि लड़का ही होएगा जिस पर बच्चे नहीं आए दवाई खा के? बंगाल में सारे देती है ना, इसलिए मैं भी देती हूँ। ये एक सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया को इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई महिला है जो लड़का होने की दवा दे रही है, उसके लिए हमने अपने डिकॉय को भेजा तो उस महिला ने 2700 रुपये लिए, दो लोगों को उसने तावीज़ दिए और साथ में 500 रुपये की एक दवाई दी, 1100 रुपये के उसने तावीज़ दिए हैं और इस बात की गारंटी दे रही है कि भाई ये लड़का होगा इसको, तो इस कारण इसको हमने रंगे हाथ पकड़ा है। वो पैसे जो हमने दिए थे नोट नंबर नोट करके दिए थे उसको, वो नोट हमने रिकवर कर लिए हैं उससे और अब उसका हमने केस उसका जो है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया। डॉक्टर साहब कैसे प्लानिंग की गई, कैसे ये हमारे इन्फॉर्मर बता देते हैं कि भी कहीं पे जिस तरह की ये लोग काम कर रहे हैं तो वो जब सिविल सर्जन हमारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं डॉक्टर विजय दहिया, उन्होंने टीम का गठन किया और उसके हिसाब से फिर हमने अपना डिकॉय भेज के वहाँ पे ये दवाई दिलवाई उसको। क्या नाम है सर महिला का और कितनी उम्र है? महिला का नाम शबनम है और वो ग्रीन विहार के पास की रहने वाली है। तो कब से कर रही थे सर ये काम? ये बता रही है ये 11-12 साल से कर रही है इसको। सर कितने पैसे रिकवर किए? 2700 रुपये रिकवर किए हैं इससे। और सर मौके से कुछ ताबीज वगैरह? मौके से जो दवाई इसने दी है वो मिली है हमें और साथ में इसने 2 ताबीज दिए हैं और उसके साथ इसने कुछ उर्दू में लिखे हुए कागज दिए थे भी अपने घर पे लगा देना तो लड़का होगा तुम्हारे पास। सर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे ये कार्रवाई इसके हम इसका जो केस है ये थाने में यहाँ पे दर्ज कराएंगे इसको और उसके बाद फिर कोर्ट में जाएगा ये मामला जो होगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।